जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है चलें ठीक है फिर हम शुरू करते हैं अच्छा शुरू करने से पहले ना मुझे ये बता दें कि आप में से किस, -किस ने लीड कोड पर अपना अकाउंट बना लिया हैंड रेस कर दें अगर अकाउंट बनाया है, आपने तो अच्छा कोड का है आपने किसी को अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ठीक है मैं आपको तो तो थोड़ा सा बता देता हूँ ये इन सेशंस के अंदर स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बल्कि इसके अलावा भी जितने सेशंस हो रहे हैं सब में हम कोडिंग की प्रैक्टिस है जो वो करते हैं लीड कोड के ऊपर ठीक है कोड इज अ वेबसाइट बेसिकली प्राइवेट कंपनी है जहां पर आपके पास अगर मैं इसको ओपन करूं एक अलग टैब में अच्छा तो यहां पर ना आपके पास कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये यह यहाँ पर मुझे कम्प्लीट लिस्ट दे देगा उन सब कोडिंग uh, प्रॉब्लम्स की मतलब ये यह, यहाँ पर रियल वर्ल्ड जो है ना प्रॉब्लम दिए होते हैं कोडिंग क्वेश्चन दिए होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है ठीक है ये एक लिस्ट है कम्पलीट जिसमें हर किस्म का डेटा स्ट्रक्चर और हर किस्म का uh, जो है क्वेश्चन इसमें मिल जाता है और बेसिकली ये सबके सब क्वेश्चन सब वो हैं अगर आप देखें यार राइट right साइड पर आप देख सकें आपको ये नजर आ रहा होगा कंपनीज जो है एमेजॉन गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ठीक है बेसिकली इसका मतलब ये है कि लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर इन टॉप कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं इनमें जो क्वेश्चंस कोडिंग के पूछे जाते हैं ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है तो साथ साथ ये क्वेश्चन जो हैं आपके रेगुलरली अपडेट भी होते जाते हैं अगर कोई न्यू क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है या कोई न्यू लॉजिक या कोई न्यू डेटा स्ट्रक्चर कोई चीज पूछी जाती है इंटरव्यू में तो लेटर काम है कि वो सारे के सारे इस कैटलॉग को जो है ना वो अपडेट रखे ठीक है तो ये एक बड़ी ही वेल नोन वेबसाइट है और आ, बहुत ही अथेंटिक वेबसाइट है आ, प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कोडिंग स्किल्स को ठीक है जी यहाँ पर हम अपने जो प्रॉब्लम्स है ना कोडिंग है उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करते हैं बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन को क्लिक किया ये वाला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है वैलिड पैरेंथेसिस है यहाँ पर उसने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ पर उसने कुछ हमें एग्जाम्पल दी हुई है ठीक है हमने इस क्वेश्चन को समझ के इस एग्जाम्पल्स को देख के इस साइड पर अपना कोड लिखना है ठीक हो गया आज हम इस पर काम करते हैं फिर आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है सही है yes, चले ठीक है अच्छा मैं आ, आ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में आपको स्टैक का पता है कि व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होती है कोई बात नहीं अगर आप कुछ आंसर दें मुझे अगर गलत भी है तो कोई मसले बात नहीं है आप तो लास्ट में आइटम स्टोर मसला exactly. अच्छा सबसे तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लास्ट वीक है डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स का क्योंकि सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं और इस वीक ये वीक से मैंने एक, एक एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि हम इस वीक में लीड कोट के क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक लीड वो नहीं किया हुआ और उनको नहीं पता कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चलो उनका जो है ना एक ओरिएंटेशन टाइप हो जाए कि एक वीक में हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एवरी वन विल नो हाउ हाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया स्टैक की बात हम कर रहे थे अगर मैं यहाँ पर अपना पेंट ओपन कर सकू स्टैक हमारे पास जैसे कि अभी बताया है इन्होंने आ, कि ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टैक है इसके अंदर एक ये आइटम है एक ये आइटम है फिर उसके बाद एक ये आइटम आएगी फिर इसके बाद एक ये आइटम आएगी फिर उसके बाद एक ये आइटम आएगी, आएगी उसके बाद ये आइटम आएगी फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो इसमें सबसे पहले आइटम कौन सी आपने एंटर की ये वाली लेकिन जब आप निकाल लेंगे तो कौन सी निकलेगी ये वाली ठीक है तो क्या हुआ ये वाली वो आइटम थी जिसको आपने सबसे लास्ट में इस स्टैक के अंदर ऐड किया था ऐसे ही है और ये वाली वो आइटम थी जिसको आपने सबसे पहले इस स्टैक के अंदर ऐड किया था ठीक हो गया ये होगी आपकी फर्स्ट आइटम या फर्स्ट इनपुट और ये होगी आपकी लास्ट इनपुट ठीक है तो स्टैक क्या चीज है ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो जो आइटम आपकी लास्ट में एंटर हो रही होती है वो ही आपकी सबसे पहले बाहर निकल रही होती है फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं ठीक है वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी होती हैं तो अगर आपने उनमें तो से कोई प्लेट अगर उठानी है तो आप कौन सी उठाओगे सब वो वाली जो सबसे ऊपर पड़ी हुई है तो स्टैक में भी ऐसा ही होता है जो आइटम सबसे ऊपर पड़ी होती है उसको आप निकाल सकते हो सबसे पहले आप नीचे से किसी आइटम को बाहर नहीं निकाल सकते ये बात क्लियर हो गई जी सर ये चलता है जी आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट में एंट्री जाएगी वो सबसे पहले निकलेगी ठीक है तो इसी बेस पर हम आ, स्टैक को इस्तेमाल करके आज का कर जो है ना क्वेश्चन करते हैं देखते हैं कि वो कैसे जो है उसको सॉल्व किया जा सकता अच्छा क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं वो कह है जी गिवन अ स्ट्रिंग एस आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और उस स्ट्रिंग का नाम क्या रखा हमने एस Containing just the characters, जिसके अंदर क्या है सिर्फ कैरेक्टर्स ठीक है जिसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है चार है मतलब अल्फाबेट्स है, तो, है, हैं ठीक है ये वाले जिस तरह के ये हैं। उसने एग्जाम्पल भी दे, दे दी कौन कौन से है? आ, ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स पैर जिनको कहते हैं ये आपकी करली ब्रैकेट्स और ये आपकी स्केयर ब्रैकेट तो कर डिटर्मन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड आपने बताना है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है ये वैलिड है अच्छा अब ये किस बेस के ऊपर नीचे दो कंडीशन बता दी वो कंडीशन क्या क्या है जी पहली कंडीशन ये है वैलिड होने के लिए कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज क्या है जी पहले ओपन ब्रैकेट उसके बाद क्या है मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल रही है ना तो ये ओपन ये ब्रैकेट हो गई ना तो इस ओपन ब्रैकेट को पहली तो बात है कि हर सूरत में क्लोज होना चाहिए चाहिए मतलब इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी एक होनी दूसरी बात है उस क्लोजिंग ब्रैकेट की टाइप क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए जिस टाइप की आपकी ओपनिंग थी फॉर एग्जाम्पल इसको सिर्फ ये ही ब्रैकेट क्लोज कर सके अगर आप इसको ऐसे करते हो कि ओपनिंग ये हो गई और क्लोजिंग ये हो गई तो फिर ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी ठीक है आप आपकी स्ट्रिंग सिर्फ इसलिए उस वक्त वैलिड होगी जब आपकी सेम टाइप ऑफ ब्रैकेटस जो है वो इस्तेमाल हो रही हो और हर ओपन ब्रैकेट जो है वो क्या हो रही हो क्लोज हो रही हो और दूसरी क्या है आपके पास कंडीशन कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर ठीक है आपकी ओपन ब्रैकेट जो है वो करेक्ट ऑर्डर में बंद होने का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ओपन ऑफ ओपन ब्रैकेट हैं तो इसमें सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए ये वाली क्लोज होनी चाहिए तो इसको क्लोज करने के लिए ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल हो उसके बाद फिर किसका नंबर आता है किसका आता है तो फिर आपकी यहां पर कौन सी क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए करली वाली फिर उसके बाद इसका नंबर आता है उसके बाद कौन सी होनी चाहिए ये होनी चाहिए ठीक है अगर तो इनका इनका ऑर्डर भी है वो भी क्या होना चाहिए correct होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए ऑर्डर ऐसा अगर हो जाए फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल ले लू कि ये करेक्ट करली ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है फर्ज कर ले अगर इस ब्रैकेट को आप पहले बंद करना चाहें इसको आप बाद में बंद कर दें तो क्या क्या ये सही आ, काम करेगा हमेशा सेम टाइप ऊपर उसने, उसने क्या कहा था पहली कंडीशन में कि ओपन ब्रैकेट जो है वो सेम टाइप के साथ क्लोज होनी चाहिए तो अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इनकी टाइप सेम है नो सर सेम नहीं है आ, इसकी टाइप सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगी ये इनवैलिड हो जाएगी इसका ऑर्डर भी करेक्ट नहीं है इसको हम अगर प्रैक्टिकल में लिख के देखें यहां पर अगर मैं लिख के देखता हूं देखते हैं यहां पर क्या आता है ये ग्रीन में शो हो रहा है अगर मैं यहां पर ये लिखूं देखें क्या हो रहा है यहां पे ये रेड में शो कर रहा है तो क्या हुआ है ऑर्डर जैसे ही खराब हुआ है वैसे उसने क्या कह दिया कि ये आपके पास इनवैलिड आ रहा है ठीक है तो क्वेश्चन में कोई मसला है क्वेश्चन समझ आ गई है यस yes, सर आ गया क्वेश्चन एग्जांपल हम देखते हैं जी एग्जांपल hmm. देखते हैं जी यहाँ पर उसने मिस्ट्रिंग दी हुई है आंसर हमें सिर्फ आप हम, हमने उसको ट्रू और फ़ाल्स में देना है यहाँ पर देखें कि सेम जो है पैरेंथेसिस इस्तेमाल हुई है ओपनिंग में तो क्लोजिंग में भी पैरेंथेसिस ही इस्तेमाल हुई है अच्छा इसी तरह से अगर नीचे आते हैं

अब ये कि इनका क्या है इनकी टाइप सेम है नहीं है तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया ये आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई ठीक है जी अब हम कोड की तरफ चलें अगर इस क्वेश्चन में किसी को, को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोड पर चलें जी सर अच्छा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं हम ना एक बेस बेस लाइन एक डिसाइड कर लेते हैं अभी तो ये है ना कि हमने स्ट्रिंग हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले एग्जाम्पल लें तो उसमें हमारे पास ये है इसमें हमारे पास स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स मौजूद हैं ऐसा ही है ना लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग ऐसी आ जाए तो फिर इस स्ट्रिंग का क्या मतलब है इसका मतलब है कि वैलिड है ये भी कोई ब्रैकेट नहीं है इसका ना ओपनिंग है और ना ही क्लोजिंग होगा सेम है एक आ, नहीं मैं सिर्फ ये बनाऊ की इस स्ट्रिंग का मतलब क्या है इसमें कोई वैल्यू है no, sir. No, sir. स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. आ, ये एम स्ट्रिंग है ठीक है तो एम टी स्ट्रिंग में जैसे अभी तलहा ने बताया कि अगर इस इसमें कोई ओपनिंग ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ओपनिंग किसी किस्म की ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं तो फिर क्लोजिंग के लिए भी कोई ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए तो समझ समझाने के लिए मैं एक ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करता हूँ दोनों सेम टाइम है सेम टाइप है कि ओपनिंग भी एम है और क्लोजिंग भी एम है तो टाइप सेम हो गया तो फिर इसको क्या रिटर्न करना चाहिए इसको वैलिड होना चाहिए ट्रू रिटर्न करना चाहिए ऐसा ही है तो फिर मैं क्या करता हूं इसको मैं मिटा के कंडीशन लिख लेता हूं कि भाई जान इज नॉट एस इसका मतलब क्या है जी कि अगर आपके पास एस नहीं है ठीक है इफ नॉट का मतलब अगर नहीं है एस या फिर आपके पास जो एस आपको इनपुट में मिली है या फिर क्या है उसकी लेंथ क्या है जीरो है ठीक है या तो आपके पास एस नहीं है आपको गिवन ही नहीं है यहाँ फिर जो एस गिवन है वो क्या है आपके पास जीरो है है उसकी लेंथ लेंथ जीरो जीरो का मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है एम है तो फिर क्या करो फिर सिंपली रिटर्न ट्रू जो आपकी जो आंसर निकलेगा उसे क्या कर दो ट्रू भाई आपकी जो स्ट्रिंग थी ना ये वैलिड है ठीक है लेकिन अगर ऐसा ना हो फिर क्या करो फिर वो कहता है कि सबसे पहले एक स्टैक बनाओ मैंने अभी एग्जांपल ली थी ना स्टैक में अच्छा स्टैक से हम क्यों कर रहे हैं इसको ये हम देख लेते हैं अभी एग्जाम्पल आपके पास एक स्टैक है ठीक है आपके पास एक इनपुट है अच्छा क्या करो अच्छा मैं इसमें ना मल्टीपल एग्जाम्पल्स देता हूं देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इनपुट है ये वाली एक इनपुट है ये वाली और एक इनपुट है ये वाली हम क्या करते हैं हम ना इस को ना डिवाइड कर देते हैं मैं दरम्यान में लाइन लगा देता हूं बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं ठीक है इससे इसका क्या मतलब है मैं कहता हूं कि जितनी भी आपकी ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगी ना उनको आपने क्या करना है स्टैक पे फेंक देना ठीक है जितनी ओपनिंग आपकी ब्रैकेट होंगे क्या करना है स्टैक पे फेंक देना और बाद में आपने बारी बारी अपनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स को मैच करना ठीक है।, है इसका क्या मतलब है अभी हम इसको करते हैं तो सारी समझ आ जाएगी अच्छा मैं क्या करता हूं मैं अपनी ना इस ओपनिंग ब्रैकेट को पकड़ता हूं और मैं इसको स्टैक में डाल देता हूं ठीक है ये मैंने इसको स्टैक में फॉर एग्जाम्पल डाल दिया अभी ये फर्स्ट एंट्री है और सबसे लास्ट भी एंट्री यही है अच्छा मैं क्या करता हूं मैं इस वाली ब्रैकेट को पकड़ता हूं और मैं क्या करता हूं मैं करता हूं अपनी सबसे ऊपर वाली आइटम से ठीक है इस केस में जो सबसे ऊपर आइटम पड़ी है जो लास्ट इन वाली आइटम आई, है वो ये है अगर तो ये दोनों आपस में मैच हो गई अगर तो इन दोनों की आपस में टाइप सेम हो गई तो हम क्या करेंगे हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और पेड़ बना के हम इसको स्टैक में से पॉप कर देंगे ठीक है पॉप और इधर स्टैक, स्टैक अच्छा, आ, आ जाते हैं सबसे पहले आपकी क्या आएगी ये आएगी ब्रैकेट तो आपकी ये ओपनिंग है इसको उठा के क्या किया स्टैक में फेंका लो जी इधर आ जाओ ये स्टैक में चलेगी उससे अगली एंट्री कौन सी होगी ये वाली उसके बाद ये भी ओपनिंग है तो इसको भी क्या करो उठा के स्टैक में फेंक दो ठीक है पीछे क्या रह गया अब आ, जब इससे हम आगे जाएंगे ना तो हम देखेंगे जनाब अब हमारे पास ये जो ओपनिंग ब्रैकेट थी ना वो खत्म हो गई है अब कौन सी आ गई मेरे पास क्लोजिंग तो जब भी अब आप आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो आप क्या करो आप मैचिंग शुरू कर दो आप क्या करो पहली वाली आइटम को पकड़ो ठीक है और इस वाली आइटम को पकड़ो जो क्लोजिंग थी इन दोनों को आपस में मैच करो अगर तो सेम टाइप है तो इस आइटम को यहां से क्या करो पॉप कर दो ठीक है पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करूं जब हम इसको पॉप करेंगे तो हमारे पास ये वाली आइटम खत्म हो जाएगी और पीछे सिर्फ कौन सी आइटम रह जाएगी ये वाली ठीक है अच्छा ये इसका पेयर बन गया ये खत्म हो गया इसने पॉप करवा दिया अपने आइटम को उसके बाद बारी किसकी आएगी इसकी हम क्या करेंगे अब ये भी क्लोजिंग है इसको हम स्टैक में ऐड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली जो स्टैक में सबसे ऊपर वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ इसको मैच करेंगे हम देखेंगे अगर तो इसकी टाइप सेम है ना तो सेम है तो हम क्या करेंगे इस आइटम को पॉप करा देंगे स्टैक में से जब हम इसको पॉप कराएंगे तो ये भी स्टैक में से क्या खत्म हो जाएगी खत्म हो जाएगी ठीक है और इसका मतलब है कि जब आपका ऑर्डर सेम है अगर आप एक चीज नोट करो यहां पर क्या था यहाँ पर आपका ऑर्डर सेम था इस ब्रैकेट को ये वाली ब्रैकेट बंद कर रही है और इस ब्रैकेट को ये वाली ब्रैकेट बंद कर रही है जब ऐसा हुआ था तो सारी की सारी आइटम जो स्टैक के अंदर पड़ी थी उनका क्या हुआ वो सारी की सारी कहां गई है वो पॉप हो गई है बाहर जब ये सारी की सारी बाहर पॉप हो गई है तो स्टैक क्या हो गया स्टैक आपका खाली हो गया तो इसका मतलब है जब आपका स्टैक खाली हो जाएगा इसमें कोई भी चीज नहीं रहेगी तब इसका मतलब है आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या है वो वैलिड है ठीक है और अगर कोई चीज रह गई है तो इसका मतलब है वो क्या है वो इनवैलिड है ये मेरी राइटिंग के लिए आ, मैं माउस पैड इस्तेमाल कर रहा ये जो मैंने बात किया ना इसको अगली एग्जाम्पल में देखता हूँ बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी मैं क्या करता हूँ सबसे पहले देखता हूँ पहला कैरेक्टर क्या है मेरे पास मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट है अगर ये ओपनिंग है तो उसको मैं क्या करूंगा इसको मैं अपने स्टैक में ऐड करूंगा ठीक है अच्छा अगली मैं ब्रैकेट पे गया क्या यहाँ पे क्या आ गया क्लोजिंग जब भी क्लोजिंग आ रही है तो मैंने क्या कहा था कि जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी आपने क्या करना है जो स्टैक में सबसे ऊपर आइटम पड़ी है उसको पकड़ना है और इसके साथ मैच करना है ठीक है फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लोजिंग है और सबसे ऊपर आपके पास ये पड़ी हुई है आप इनको मैच करोगे आप देखोगे कि टाइप ता, इनकी सेम नहीं है जब टाइप सेम नहीं है तो ये पॉप होगा या नहीं होगा अगर सेम नहीं है तो फिर पॉप नहीं होगा हां ये पॉप नहीं होगा अगर ये पॉप नहीं होगा तो इसका मतलब है स्टैक के अंदर रहेगा अगर स्टैक के अंदर रहेगा इसका मतलब है स्टैक खाली नहीं है तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जा जिसमें आपका स्टैक खाली नहीं है इसमें कोई ना कोई चीज पड़ी है तो फिर आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी उसको मैं आई वी से शो कर देता हूं ठीक है इस चीज को हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनपुट में आ गया है uh egg minute <laughs> <laughs> एग्जाम्पल आपके पास ये इनपुट है ये स्ट्रिंग है इसको हम सॉल्व करते हैं और आप लोगों ने जो है ना मुझे बताना है सबसे पहले आप क्या करोगे आप अपनी अपनी स्ट्रिंग को डिवाइड करोगे ठीक है जी किन दो हिस्सों में ओपनिंग वाली और क्लोजिंग वाली ठीक है अच्छा सबसे पहले ये कैरेक्टर आपका आया आप क्या करोगे आप अपना एक स्टैग पकड़ोगे ठीक है सबसे पहले ये कैरेक्टर था तो क्या होगा सबसे पहले ऐड यही कैरेक्टर ऐड होगा यहां पे। उसके बाद क्या आया? ये स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा आपके पास स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद क्या है स्केयर ब्रैकेट क्या यहां पे ऐड हो जाएगा स्केयर ब्रैकेट अच्छा उसके बाद क्या है फिर से स्केयर ब्रैकेट फिर से क्या हो जाएगा स्केयर ब्रैकेट फिर क्या है जी करली ब्रैकेट इसके बाद आ जाएगी करली ब्रैकेट अच्छा उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ये वाला क्लोजिंग है क्लोजिंग कर ब्रैकेट है इस वजह से डिलीट हो जाएगा एक स्त... नहीं मैं बताता हूँ पहले मुझे तो ये सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या ये स्टैक में ऐड होगी नहीं सर ये स्टैक में नहीं ऐड होगी जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई अब आपने मैचिंग शुरू कर देनी है जब तक ओपनिंग ब्रैकेट होगी तब तक आपने क्या करना है इसको स्टैक में ऐड करते जाना है और जैसे ही अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी आपने क्या करना है मैचिंग शुरू कर देनी है आपने इसको पकड़ना है आपने जाना स्टैक की सबसे ऊपर वाली आइटम पे आपने करना है दोनों मैच टाइप अगर सेम है तो इस आइटम को उठा के आपने बाहर फेंक देना पॉप करवा देना ठीक है जी इस केस में ये दोनों टाइप सेम है जी सर अगर इस केस में दोनों की टाइप सेम है तो ये वाली आइटम क्या होगी ये पॉप हो जाएगी बाहर चली जाएगी अगर ये बाहर चली जाएगी तो फिर मैं इसको यहाँ से खत्म कर सकता हूँ ठीक है जी सर अगली इटरेशन में क्या होगा अगली इटरेशन में करेक्टर आपके पास ये आ गया स्केयर ब्रैकेट ये भी क्लोजिंग है क्लोजिंग है तो फिर हमें क्या करना है हमने मैचिंग करनी मैच करना तो सबसे मैच किसके साथ करना है? स्टैक की सबसे ऊपर वाली आइटम के साथ ठीक है तो सबसे ऊपर वाली आइटम कौन सी है ये वाली तो अब क्या करोगे आप इन दोनों का मैच करोगे आपस में इसको और इसको ठीक है क्या इन दोनों की टाइप सेम है यस yes, सर <laughs> इन दोनों की टाइप ये वाली आइटम को उठा के पॉप करवा देंगे ठीक है पॉप करवाएंगे तो इसका मतलब भाई यहाँ से स्टैक से खत्म हो गई तो इसको मैं खत्म कर यहाँ से खत्म कर देता हूँ ठीक है अच्छा अब इसके बाद कौन सी आइटम आ रही है ये वाली इसको ये, ये कौन सी है ओपनिंग है क्लोजिंग है क्लोजिंग है सर क्लोजिंग है तो फिर हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कंपेयर करेंगे बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे टॉप आइटम से तो इसमें टॉप आइटम कौन सी है ये वाली क्या इन दोनों की टाइप सेम है यस सर सेम है टाइप तो सेम तो है तो हम इस आइटम में क्या करेंगे बाहर, बाहर, करवा देंगे. बाहर yes, निकाल देंगे मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ ठीक है जी अच्छा अब उसके बाद कौन सी आइटम आई, आएगी ये वाली ये ओपनिंग है क्लोजिंग है क्लोजिंग है सर कंपेयर करेंगे किसके साथ करेंगे yes. टॉप आइटम के साथ दोनों की टाइप सेम है यस सर तो क्या दे होगा दे इस, इस आइटम के साथ पॉप हो जाएगी यस सर इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूं अच्छा अब क्या रह गया हमारे पास ये, ये कैरेक्टर कर रह गया, गया। क्लोजिंग का ये भी ये भी कंपेयर करेंगे अब पीछे स्टैक में सबसे ऊपर क्या है यही चीज पड़ी है तो इसके साथ क्या करेंगे मैच करवाएंगे क्या दोनों टाइप क्या करेंगे सारी स्ट्रिंग पूरी हो गई जब सारी स्ट्रिंग पूरी गई तो स्टैक में कुछ बचा नो सर स्टैक खाली है तो फिर हम क्या कहेंगे आपकी स्ट्रिंग क्या है वैलिड ठीक है क्योंकि ये क्या है वैलिड है सॉरी क्योंकि स्टैक सारी खत खाली हो गई है खाली क्यों हुई है क्योंकि उन सब के आपस में पेयर बन गए हैं पेयर क्यों हुए हैं क्यों बने हैं क्योंकि सब की टाइप क्या थी सेम थी और सब अपने करेक्ट ऑर्डर में थे इसलिए इनके क्या बने हैं पेयर बने हैं और इसलिए स्टैक खाली हुआ तो अगर स्टैक खाली होगा तो इसका मतलब है स्ट्रिंग क्या है आपके पास वैलिड स्ट्रिंग क्या है वैलिड ठीक है ये बात क्लियर हो गई यस सर क्लियर है ठीक है तो अगर आपकी स्टैक बाद में खाली स्टैक में कुछ रह जाए तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी उसके हम छोटी थोड़ी देख लेते हैं एक सिर्फ ये है आपके पास स्ट्रिंग ही है ठीक है तो इसमें क्या होगा वही बात डिवाइड कर लें ओपनिंग जो है उसको के क्या करेंगे स्टैक में पहले ये आ रहा है तो ये आपका स्टैक के अंदर आ जाएगा फिर ये भी ओपनिंग आ रही है तो ये भी आपका स्टैक के अंदर आ जाएगा अब ये क्या है क्लोजिंग है क्लोजिंग है तो इसने कंपेयर करना है टॉप आइटम के साथ कंपेयर करना है क्या दोनों की टाइप सेम है नो no, सर सेम नहीं है तो क्या ये पॉप होगी नहीं सर अगर ये पॉप नहीं होगी तो इसका मतलब बस टैग में कुछ बच गया यस yes, सर तो इनवैलिड होगा तो इस केस में स्ट्रिंग क्या है आपकी इनवैलिड इनवैलिड है ठीक है तो अगर आप इसको देखें तो ये आपकी इनवैलिड ही है क्यों क्योंकि आपकी एक तो ये ओपनिंग ब्रैकेट सेम टाइप से क्लोज नहीं हो रही और दूसरा इनका ऑर्डर भी क्या है गलत है समझ आ गई बात की कोड की तरफ चले अगर अगर ये एग्जांपल्स क्लियर हैं तो फिर कोड की तरफ चले यस yes, सर अच्छा मैंने ना क्या किया मैंने स्टैक के नाम से ना एक स्टैग बना लिया मैंने ना एक, एक स्टैग बनाया जो कि फिलहाल एम टी है मैं कहता हूं और सी इन एस सी वेरिएबल का नाम है और एस क्या है आपके पास स्ट्रिंग ठीक है एस क्या है आपके पास स्ट्रिंग है? है और सी सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि लूप के अंदर इस्तेमाल होगा ठीक है हम उसे कहते हैं भाई सबसे पहले आपने क्या करना है आपने कहना है कि इफ सी इज इक्वल टू एसिस वाली ओपन ब्रैकेट और सी इज इक्वल टू करली ओपन ब्रैकेट और सी इज इक्वल टू स्केयर वाली ओपन ब्रैकेट ठीक है क्या किया जी हमने हमने उसे कह दिया जनाब अगर तो आपका सी जो है वो आपका ओपनिंग ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वाली या फिर आपका सी जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट है करली वाली या फिर आपका सी जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट है स्केयर वाली अगर ऐसा है तो फिर क्या करो सिंपली इस ओपन ब्रैकेट को पकड़ो और क्या करो स्टैक के अंदर ओप कर दो एंड कर दो ठीक है जी ओप एंड ठीक ठीक है ना? है आ, सर क्या ठीक है सर थी? हमने जो हमारी ओपनिंग ब्रैकेट थी उनको स्टैक में डालना था तो यहाँ पे हमने हमने वही किया कहा सबसे पहले को बोलो कि वो चेक करे क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है जोन सी भी है अगर वो ओपनिंग है तो उसको क्या करो उसको स्टैक के अंदर अपेंड कर दो ठीक है अब नीचे आओ एल एफ एल एफ एल उल्टा कही जा रहा हूं एल सिर्फ सी देखो कि क्या वो आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है अगर तो ऐसा है तो फिर इसमें एक और चीज चेक करनी है आपने कि आपके पास जो लेन है किसकी स्टैग की क्या वो जीरो है और स्टैग माइनस वन इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट अच्छा जी इसका क्या मतलब है ये मैं थोड़ा आउट करता हूँ ठीक है जी यहाँ पे बताया कर रहा है यहाँ पर हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसकी कौन सी टाइप की ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए इसका क्या मतलब है पहली तो कंडीशन ये है उसने कहा है कि सी में चेक करो कि क्या ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है अगर तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो फिर आपने दो कंडीशन और चेक करनी पहली बात ये कि देखो कि जो स्टैक है आपका क्या उसकी लेंथ जो है जीरो है इसका मतलब क्या कि स्टैक आपका खाली है और या फिर स्टैक माइनस वन पाइथन के अंदर ना आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देख लू फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर स्टैक बनाया उसमें आके पास आता है वो. अच्छा, मेरे मेरे पास पास, पास ये, आपके पास, पास एक थ्री है, है. तो मतलब है? है. है? है, है, है और इसी तरह आगे चलती जाएगी माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स जब आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है ना तो वो आपकी इंडेक्सिंग होती है जीरो से शुरू ये आपका जीरो हो गया ये आपका वन हो गया ये आपका टू हो गया लेकिन जब आप नेगेटिव पे, पे इंडेक्सिंग रहते हो तो फिर zero नहीं होता। फिर आपका शुरू होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पर ये माइनस वन लिखने का मतलब है कि भाई stack की सबसे ऊपर वाली सबसे लास्ट वाली एंट्री देखो अगर तो वो इस वाली ओपनिंग अगर तो ये वाली ओपनिंग नहीं है ठीक है फिर क्या करो इस बात का मतलब पता क्या मैं इसको ड्रॉ करके यहां दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग ठीक है, ये, ये है और एक स्ट्रिंग आपके पास सिर्फ ये वाली ये भी तो ना कि आपके पास स्ट्रिंग ये कैसी है जिसमें सिर्फ एक क्लोजिंग हो ठीक है एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है अच्छा क्या होगा सबसे पहले क्या कहा था कि हम अपने आंसर को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में ओपनिंग वाली को उठा के स्टैक में डालेंगे इस केस में क्या स्टैक में कुछ जाएगा नो नो सर। सर, जाएगा। इस केस में क्या स्टैक में कुछ जाएगा यस yes, सर, कर ली जाएगी, कर ली चली जाएगी ठीक है जब हम इस पर आएंगे ना इस पर हम देखेंगे कि क्या भाई स्टैक में कुछ आया हम कहेंगे जी स्टैक में कुछ है मैच करेंगे तो ये स्टैक इसमें सबसे ऊपर यही पड़ी है ना तो स्टैक ब्रैकेट माइनस वन जो है वो ये वाली आइटम हमारे पास ठीक है हम कहेंगे हम देख रहे हैं कि जनाब इस कैरेक्टर को जब हमने मैच किया सॉरी इस कैरेक्टर को जो हमने इसके इस साथ मैच किया तो दोनों इक्वल नहीं आए इक्वल ना आने को आप coding में कैसे शो करते हो इस तरह से ठीक है कि आपकी जो ये ओपनिंग ब्रैकेट थी ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट थी ये आपकी इस ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं आई सॉरी uh, इस ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं है यहां पर कुछ और पड़ा हुआ है ठीक है अगर यह केस होगा तो इनकी आपस में पेयरिंग नहीं होगी और पॉप नहीं होगा तो स्ट्रिंग क्या होगी इनवैलिड और इस केस में क्या है इस केस में यहां पर पेयर करने के लिए कुछ मौजूद ही नहीं है ठीक है जब मौजूद ही नहीं है तो उसका पेयर भी नहीं बनेगा अगर पेयर नहीं बनेगा तो यह भी क्या होगी आपकी इनवैलिड ठीक है तो इन दो केसेस को बताने के लिए यहां पर कंडीशन लिखी है कि भाई अगर तो स्टैक आपका रह गया हुआ ना खाली और इसका पेयर अभी बनना है ठीक है या फिर जो स्टैक में सबसे ऊपर जो तो चीज पड़ी है वो आपकी इसके इक्वल नहीं है इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है या तो वो क्या हो सकती है वो या तो आपकी करली हो सकती है या फिर आपकी क्या हो सकती है स्केयर वाली हो सकती है अगर तो स्टैक में सबसे ऊपर ये पड़ा हुआ है और क्लोजिंग आपके पास ये है इसका मतलब है इनका आपस में पेयर नहीं बनेगा ठीक है या फिर क्या है क्लोजिंग आपके पास ये पड़ी है और आपके स्टैक के अंदर कुछ पड़ा ही नहीं जिसके साथ इसने पेयर बनाना है ठीक है तो इन दोनों केस में आपकी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए इनवैलिड होनी चाहिए तो अगर इनवैलिड होगी तो आपने क्या रिटर्न करना है फाल्स सिंपल सी बात ठीक है ये बात समझ आई है यस इसी को हम कॉपी कर सकते हैं नीचे दूसरी दो ब्रैकेट्स के लिए करिए केस में क्या होगा आपके पास करली ब्रैकेट आ जाएगी और इधर आपकी क्या आ जाएगी करली ओपन ब्रैकेट आ जाएगी इधर आपके पास क्या आएगी स्केयर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी और इधर आपके पास क्या आ जाएगी करली ब्रैकेट ठीक है जी यहां तक का मसला नो सर ठीक है अच्छा अब ये वो सारी कंडीशन है जिनमें आपके स्टैक में से कोई चीज पॉप नहीं होगी मतलब पेयरिंग नहीं होगी पेयरिंग होगी तो पॉप होगी ना इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होंगी उन सब में आपके स्टैक में से कोई ना कोई चीज पेयर बना के पॉप हो जाएगी तो फिर मैं क्या करता हूं मैं इसके नीचे लिखता हूं एल्स डॉट पॉप इस चीज में कोई इतराज़ है इस चीज में कोई इतराज़ है अगर इसकी समझ नहीं तो मैं बता देता हूं दोबारा नो सर कोई इतराज़ नहीं ठीक है अच्छा ये वो सारी कर और आपकी जो स्ट्रिंग है वो होगी इनवैलिड आपका आंसर आएगा फॉल्स इन सब से अगर आप बाईपास हो जाते हैं तो फिर आपकी पॉप पॉपिंग होगी ठीक है और चांस है कि पॉपिंग होने के बाद आपकी स्ट्रिंग जो है वो वैलिड हो ठीक है लेकिन मैंने यहां पर एक बात बताया था कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो हर हाल में बाद में क्या होनी चाहिए खाली, जो स्टैक है वो बाद में क्या होना चाहिए खाली होना चाहिए अगर तो वो खाली नहीं है तो फिर आपकी स्ट्रिंग वैलिड है? नहीं होगी उसकी क्या मिसाल है जी ये वाली एग्जांपल स्टैक में गया थी मेरे पास ये और, गया ये।, जब... और गया ये जब क्लोजिंग की बारी आएगी तो इसको मैं मैच करूंगा जब मैं इसको इसके साथ मैच करूंगा इन दोनों का आपस में पेयर बन गया जब इन दोनों का आपस में पेयर ऑप हो जाएगी इसको मैं पॉप कर देता हूं ठीक है जी इसमें मेरे पास ये वाली कंडीशन जनाब उसने कहा कि मैंने जब इनको आपस में किया है ना क्या कहते हैं उसको आपस में मैच किया है तो ये वाली चीज जो है ना आ गई है आ गई है तो फिर क्या करो आप पॉप करो ठीक है मैंने पॉप किया तो वो आइटम यहाँ से क्या हो गई खत्म हो गई अच्छा हम आगे गए अब आगे यहां पे कोई करेक्टर ही नहीं है ठीक है अगर कैरेक्टर नहीं है तो स्टैक के अंदर फिर आपके पास ये चीज मौजूद रहेगी अगर ये चीज मौजूद रहेगी तो आपकी लेंथ ऑफ स्टैक जो है वो जीरो नहीं होगी जीरो नहीं होगी तो ये स्टैक आपकी एम नहीं है अगर एम नहीं है तो फिर आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी इनवेलिड ठीक है तो हमने ओवर कंडीशन क्या चेक करनी है कि क्या आपकी जो स्टैक है उसकी लेंथ जीरो है कि नहीं है ठीक है तो फिर हम क्या करते हैं हम इस लूप से बाहर आते हैं पर हम कहते हैं जनाब चेक करो कि एंड पर आपकी जो स्टैक है उसकी लेंथ जीरो है है अगर तो, अगर तो तो उसकी लेंथ जो है वो जीरो से ज्यादा है तो आपने क्या कर देना है रिटर्न जनाब आपकी स्ट्रिंग इनवैलिड थी लेकिन अगर ये चीज भी क्लियर हो गई तो फिर आपने क्या रिटर्न करना है ठीक है जी इसको हम रन करते हैं देखते हैं कि क्या ये चलता है ठीक है जी तो आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सेप्ट हो गया है हम इसको सबमिट करके देखते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सबमिट भी हो गया है ठीक है जी इस क्वेश्चन में कोई मसला समझ ना आई हो जो बात वो दोबारा पूछ सकते हैं आप है, सर. अच्छा इसकी टाइम बता दे। सर, of N. ये के लिए कर दें ऑफ एन क्यों होगी और ऑफ एन का मतलब क्या है सर ऑफ एन इसलिए होगी कि हम जो लाइन नंबर सेवन के ऊपर चला रहे हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ की कंडीशन जो जितनी भी होती है ना वो सारी की सारी कॉन्स्टेंट टाइम लेती हैं ओफ वन के अंदर ठीक है और अगर लेंथ फंक्शन की बात करें ना तो लेंथ फंक्शन भी जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर हमें वैल्यूज रिटर्न करके देता है ठीक है आगे मजीद हमने जो सा स्टैग क्रिएट किया वो भी कॉन्स्टेंट टाइम में होगी मेनली जहा यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा ना वो लाइन नंबर सेवन के ऊपर फॉर लूप लगी है जो कि एस स्ट्रिंग के ऊपर वन बाय वन हाइड्रेट कर रही है ठीक है, इट मीन्स ये जो फॉल रूप है ना वो एन टाइम्स चलेगी क्योंकि माइट बी स्ट्रिंग जो लेंथ है ना वो एन नो no. तो आगे ये इफ की जितनी भी कंडीशन है ये आल सारी कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर चलेगी वन के अंदर ऑफ वन के अंदर आगे ये अपेंड भी जो ऑफ वन में चलेगा ठीक है तो मजीद जो हमारा पॉप जो सा वो भी एंड से अगर पॉप कर रहा हो तो वो भी ऑफ वन के अंदर ही चलता है तो जब हम ओवरऑल ऐड करेंगे तो हमारी जो सी टाइम कम्प्लैक्सिटी होगी वो ऑफ एन होगी और अगर स्पेस कंप्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि हम यहाँ पे एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं स्टैक का ठीक है हम मतलब ये बना रहे हैं तो इसका हमें आइडिया नहीं है कि माइट भी सारी की सारी ब्रैकेट जो है वो हो ही ओपन मतलब ये एक ओपन आ गई फिर ये आ गई ये आ गई फिर नेक्स्ट ये आ गई जस्ट ओपन ही चलती जा रही हूँ पूरी स्ट्रिंग के अंदर क्लोज आई ना तो इट मींस इसकी जो सी लेंथ होगी वो हमें आइडिया नहीं है अभी तो ये भी ऑफ एन होगी स्पेस कंप्लेक्स भी जो होगी वो ऑफ एन होगी जी सर जी बिल्कुल ठीक है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफा आपने बिल्कुल ठीक बताया अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो किस तरह की होती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी को आइडिया है अभी तक वैसे कॉम्प्लेक्सिटी का जैनली और अवैस और इरफान ठीक है अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना ये आपकी हम इसमें कोड को मैयर करते हैं कि इसकी एफिशियंसी कितनी बेहतर है ठीक है जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी उतना कोड आपका ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम जो है वो हो इसका क्या मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो सकती है बिग ऑफ एन या दूसरे हम इसे कॉन्स्टेंट कहते हैं ठीक है या इस तरह से आपकी हो सकती है बिग ऑफ बिग ऑफ वन सॉरी इसको बोलते हैं बिग ऑफ वन और ये होती है बिग ऑफ एन और आपकी और भी होती है कि बिग ऑफ लॉग एन और आपकी बिग ऑफ एनस्केर और बिग ऑफ एन क्यूब आगे मतलब ये बढ़ती जाती है इस तरह से ठीक है तो सबसे कम आपकी ये है ये सॉरी ये पहले आती है शायद उसके बाद ये आती है फिर ये है फिर उसके बाद नीचे मतलब सॉरी ये है और फिर आगे पास ये है एंड सो ऑन इस चलती जाती है ठीक है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी कंप्लेक्सिटी सबसे कम हो ठीक हो गया अच्छा अब ये ऑफ फैन जो है वो किस तरह होती है आपकी जितनी भी इफ की कंडीशंस है ना जब आप इफ लगाते हैं ये वाली कंडीशन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट होती है ठीक है बिग ऑफ वन होती है एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ये किसी कंडीशन में ये चीज चेंज हो जाती है वो हम देखेंगे इस्ता, इस्ता वो क्या होता है जो आपके पास फॉर लूप होते हैं या वाई लूप होते हैं ठीक है इनकी क, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी एन होती है इसका क्या मतलब है एन कॉम्प्लेक्सिटी एन का क्या मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन का अभी जैसे बता रहे थे के फॉर अगर हम इधर आते हैं पे अगर हम देखें जब एग्जाम्पल वन थी तो इसमें कैप्टर कितने थे दो तो हमें लूप लगाना पड़ा वो लूप पहले इस पे गया फिर इस करेक्टर पे गया ठीक है अच्छा उसके बाद फिर इसका मतलब है लूप कितनी दफा चला दो बार क्यों क्योंकि आपके करेक्टर कितने थे दो बार दो थे तो जितने कैरेक्टर थे उतना ही आपका लूप चला इसने नीचे आ जाए ये कैरेक्टर कितने है जी? छे। अब इसको भी उसने चेक करना है ना ओपन और क्लोज ब्रैकेट के लिए तो क्या करेगा बारी बारी हर कैरेक्टर पे जाएगा पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे फिर ये वाले पे और फिर ये वाले पे और फिर ये वाले पे इसका मतलब है कि वो बारी बारी कितने कैरेक्टर पर जाएगा सिक्स पर ऐसे ही है ना तो इसका मतलब है लूप कितनी दफा चलेगा सिक्स टाइम्स चलेगा ठीक है नीचे फिर आ जाओ नीचे कितने कैरेक्टर्स हैं आपके पास हमारे कैरेक्टर्स हमारे पास हैं दो एक ये है और एक है ये वाला अगर कैरेक्टर्स दो हैं तो लूप कितनी दफा चलेगा टू टाइम्स तो इसका मतलब है अगर आपके पास कैरेक्टर्स हो एन तो फिर लूप कितनी दफा चलेगा एन टाइम्स तो इसलिए हम कहते हैं कि लूप की जो टाइम कंप्लेक्सिटी होगी ना कि वो कितनी दफा चलेगा वो आपका एन टाइम्स चलेगा एन अगर वन होगा तो वन टाइम चलेगा टू होगा टू टाइम चलेगा सिक्स होगा तो सिक्स टाइम चलेगा ठीक है तो हर लूप की आपकी कंडीशन जो है कंप्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन ये सर इरफान अकरम साहब मैसेज में कह रहे हैं कि आ, इफ जो है वो इन में यूज करें तो बिग ऑफ एन होती है जी सर मैंने जब इसको बता रहा था यहाँ कंडीशन में मैंने कहा था कि कुछ कंडीशन में ये बात ची, ये ये बात जो है ना कि ये इफ कॉम्प्लेक्सिटी वो कॉन्सटेंट होती है वो चेंज हो जाती है ठीक है उसका मतलब यही था कि अगर आप लिस्ट के अंदर इस्तेमाल करें ना इफ आप सर्च के लिए इस्तेमाल करें और इसके साथ आप इन ऑपरेटर यूज करें ये वाला इन ऑपरेटर तो फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहती फिर आपकी टाइम कंप्लेक्सिटी बिगो फैन हो जाती है ठीक है अच्छा इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट है वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाली फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना मैंने एक लिमिट लगा दी है मैंने ना मिडे मिड पॉइंट निकाल लिया है यहाँ मैंने एक कंडीशन लगाई है मैं का, मैं कहता हूँ कि अगर मेरा मिड पॉइंट थ्री मैं अपनी एक टारगेट है एक मेरे पास लिस्ट है और एक मेरे पास टारगेट वैल्यू है टू नहीं डिक्शनरी के अंदर जो आपका होता है ना इफ अगर उसमें आप इन इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कॉन्स्टेंट होती है फिर नहीं वो आपकी बिगो फैन होती है। अच्छा यहाँ मैं बता रहा था मिड पॉइंट है थ्री मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कंडीशन रखता हूँ मैं कहता हूँ अगर तो मेरा टारगेट पॉइंट मिड पॉइंट से छोटा हुआ तो फिर आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पर सर्च करना और अगर मेरा टारगेट पॉइंट थ्री से बड़ा हुआ तो फिर मेरा आपने सिर्फ और सिर्फ राइट right साइड से सर्च करना है इसका मतलब है कि जब टारगेट मेरा थ्री से छोटा होगा तो फिर मैं इन वैल्यूज को इग्नोर कर दूंगा और मैं सिर्फ ये वैल्यू ये वाली जो वैल्यूज है ना इन पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा और अगर मेरा टारगेट थ्री से बड़ा हुआ तो फिर मैं इन वैल्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा और ये वाली वैल्यू क्या कर दूंगा इग्नोर कर दूंगा इसका मतलब है हर कंडीशन में सारी की सारी वैल्यूज आइट्रेट नहीं हो रही आदि में ये वाली वैल्यूज हाइट्रेट हो रही है और आदि में ये वाली वैल्यूज हाइट्रेट हो रही है जब इस तरह तो की इस चीज को हम आगे मजीद क्वेश्चन में जब देखेंगे तो आपकी चीज मजीदशी हो जाएगी कि टाइम कंप्लेक्सिटी एन कब होती है लॉग एन कब होती है और वन कब होती है ठीक है जी अच्छा फिर हम देखते हैं कि एन स्केयर कब होती है फॉर एग्जाम्पल आपने एक लूप लगाया फॉर इसकी कोई भी कंडीशन है कोई भी इसकी बॉडी है यहां पर ठीक है हम देखते हैं आप इस फॉर के अंदर एक और फॉर लगा देते हो इस कंडीशन क्या बोलते हैं जी कोई बता सकता है मुझे हाँ लूप ठीक है आपके पास नेस्टेड लूप लग जाए तो ये जो अंदर वाला लूप है अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ एन ठीक है और बार वाई लूप की क्या होगी इसकी भी बिग ऑफ एन ठीक है जब ये दोनों फॉर लूप आपस में नेस्टेड होंगे ना तब ये दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई तो एन मल्टीप्लाई बाय एन बता सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एन स्केयर हो जाएगा N हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है कि नेस्टेड लूप की कंडीशन जब होगी आपके पास तो फिर आपकी टाइम टाइम कप्लेसिटी क्या हो जाएगी एन क्यूब मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये लूप था उसके में आपने नेस्टेड रूप ये ये लगाया और फर्ज कर लो इसके अंदर एक और नेस्टेड रूप लगा हुआ को है को मुझे बता सकता है अब इसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ओ ऑफ n क्यूब बिल्कुल ओ ऑफ n क्यूब क्योंकि इसके भी बिग ऑफ एन है तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ठीक है तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई बाय एन एन स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बान एन क्यूब तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी एन क्यूब हो जाएगी ये बात क्लियर हो गई और इसी तरह से ये चीज बढ़ती जाएगी ठीक है जी ये चीज क्लियर हो गई है यस yes, सर अच्छा अब हम देखते हैं इन सारी बातों के बाद देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये लूप लगा हुआ है सबसे पहले तो ऊपर आता है यहां पर ये कंडीशन है इफ है इफ है तो टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताई थी मैंने अभी अभी ऑफर ऑफ एन वन इफ की ओके हाँ अच्छा उसके बाद नीचे क्या आएगी आपके पास आपके पास फॉर लूप है लूप है तो इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी क्या होगी क्या होगी? इसकी ओफ एन हो जाएगी हाँ अब इसके बाद नीचे इसके अंदर नेस्टेड में कंडीशन है इफ है इफ है तो इफ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑफ वन ठीक है अच्छा इन सब की भी क्या होगी ऑफ ऑफ वन वन ठीक है अच्छा इसके बाद इसकी क्या होगी इस वाली की? ये वाली सर ओ ऑफ वन होगी बिल्कुल वेरी गुड ठीक है जी अच्छा इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हम सबसे बड़ी वैल्यू या दूसरे में सबसे देखते हैं इनमें है। तो इसका मतलब क्वेश्चन की ताँग, ताँग क्या हो जाएगी बिग ऑफ एन अब ये बात समझ आ गई कि इसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कैसे आई है यस yes, सर ये चीज क्लियर हो गई जी सर अच्छा दूसरे लाज में ये इनकी वन थी ना इफ की ने वाले की तो एन मल्टीप्लाई बाय वन एन एन ठीक है ना तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जल्दी से बात कर लेते हैं तो जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कोड के अंदर लैदा से एक तो है ना जो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इनपुट में एक अगर कोई सा भी आप क्वेश्चन के अंदर खुद डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर आपकी वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ एन हो जाएगी ठीक है इसका क्या मतलब है कि आपने अगर खुद से कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया तो इसका मतलब है आप प्रोग्राम को जब कोड कर रहे हैं ना आप कहते हैं कि जब भी प्रोग्राम रन हो तो एक अलहदा से मेमोरी एलोकेट कर लेना इस चीज के लिए ठीक है जो पहले से क्वेश्चन में मेमोरी दी हुई है उससे हट के से इस चीज की मेमोरी बनाना तो जब भी इस तरह की बात होती है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी कुं भी क्या हो जाती है बिग ऑफ एन हो जाती है ठीक है जी यस yes, सर चले अभी जो आज मैंने डिस्कस किया इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम है नो सर क्लियर है ठीक है तो इसका मतलब है फिर कल आप में से कोई कोई बंदा क्वेश्चन जो वो है वो yes, प्रेजेंट कर रहा है यस सर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने फिर कल मैं प्रिपेयर हो गया ना कल आप में से क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे ठीक है ये वीक मैंने रखा ही सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करें ओके सर कोड शेयर कर दीजिएगा कोड शेयर कर दूंगा ओके जी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात तो होती है टाइम आप हो गया ओके जी अल्लाह अल्लाह हाफिज